हुसैनियत देखो गुजारिश वाली गल है जितने हजरात सामईन मौजूद हो जिंदाबाद की सदा इतनी बुलंद हो करबला वाला करीम बादशाह थानू सारयां नू करबला बुलावे जिहड़ा नारा मरे सी जवारी करे सी मिल के बोलो हुसैनियत जुरत नाल बोलो हुसैनियत यजीदियत अहले बैत दे दुश्मना ते लानत पंज बारह चौदह दे दुश्मना ते लानत मुहम्मद मुस्तफा दी सच्ची बेटी दा दिल दुखाण वालियां ते लानत जिहड़ा ना करे इस जमाने ते उंदी नसल ते लानत जुबाना मुअत्तर करो सलवात मिल के पढ़ो जी आवाज दे नाल चौदह दी इज्जत ते सारे सलवात मेरे इंतहाई वाजिबुल मकाम सैयद अली जैदी साहब बरादर मौज़म पीर सैयद अकील शाह जी और सादात दा ये सजदे ज़िक्र इजहार मवद्दत अदरे रिसालत मुसल्ला मातम मालिक ए बाबे खिताब अकील ए बनी हाशिम मौसिना तौहीद और रिसालत आलिमा गैर मौलिमा मलका शरीयत हिजाब तौहीद मालिक कुन फयकुन खालिक नहजुल बलागा इमाम दे इस्मे मुअल्ला दी ज़ीनत बीबी अपने अलमा वाले वीर दे अलम दा सदका ए मिन्नत कबूल फरमा जग ते इज्जत होवे अली उल वली अल्लाह तआला अल्लाह थोड़ी नस्लों में आबाद रखे अल्लाह थानू किसी का मोहताज ना मालिक अल्लाह जेडे बे औलाद हुसैन बादशाह दी नलैन दा सदका मातमी पुत्र अता फरमा बीमारों नू शिफाए कामिला अजल अता इस डाढ़े के दौर मेरे कल्ले दी नहीं हर अली उन वलीउल्लाह पढ़न वाले दी हसरत मुहम्मद दी बेटी दा रोज़ा सोहना बने सारिया दुआवां दी आखिरी दुआ हर दिल दी सदा इल्तजा इमाम ज़माना बादशाह कायम ज़माना बादशाह वली उल असर हुज्जत दौरान वारिस खून हुसैन बकियतुल्लाह अल आज़म मालिक अल्लाह ज़रूरत ज़माना दे ज़हूर इच ताजील अता फरमा दुआवां दी कबूलियत वास्ते खंदा पेशानी नाल लिख छलक दी हुई सलवात तिलावत फरमा मालिक थानू ये अजरी अजीम अता फरमावे वाद वफा हो गया अली वालियां दी ज़ियारत हो गई कायनात दे मालिक हुसैन अलैहिस्सलाम बादशाह दे अजीम मातमियां दी ज़ियारत हो गई थोड़ा जितना सबक सुना के तो मैं दुआ हासिल करना चाहना इजाजत है जनाब दुख्तरे मुस्तफा तेरी अजमत है क्या कोशिश करनी चाहिए जितों इत्थे आ जाइए तो फिर बंदा कुछ ना कुछ लेके जाए क्योंकि मासूम फरमेंदन चाचा जी जुबान ओ ही चंगी जिहड़ी मस्जिद च बोले या साढ़े जिक्र च बोले इत्थे बोलन नाल इज्जत वधदी बंदे दे फुल वधदे पर या पंचायत वाले बत्ते हो एक नज़म दा टुकड़ा मैं जनाब के हवाले करना चाहना अल्फाज दी निफासत तो आशना लोगो ए लफ सुनना किबला तंजील भाई दुख्तरे मुस्तफा लाला जी दुख्तरे मुस्तफा तेरी अजमत है क्या मुर्शद पीर अली जदी जी अकील शाह जी मैं मुर्शद वेखन लगा केड़ा बंदा हाथ चाह के पाक सैन नू सलाम करदा है ते फिर सतर दा मैं लुत्फ आना है दुख्तरे मुस्तफा तेरी अजमत है क्या तेरे बच्चों का काबा आजादार है जेडे बंदे सिर भी नहीं हलाया ओदी किस्मत दी गल है मेरा काम ही नौकरी खोला मैं बिस्मिल्ला करा नौकरां दे नाल वेखो कसकोले तलब बिस्मिल्ला मिल के या गुजमा हो गए गरी इंतहाई ए है गुजरा ए है मेरी धरती अल्लाह तुहानू सलामत रखे बाबा जी अल्लाह मेहनत कबूल फरमावे
दुख्तरे मुस्तफा जेड़ा बंदा इस गल ते बोले हमाद रजा दी उदी जुत्ती नू करोड़ों सलाम इमाम हुसैन बादशाह तुहानू किसे दा मोहताज ना करन। लो जी ए सत्र सुनना, दुख्तरे मुस्तफा तेरी अजमत है क्या, जेडे बंदे लफ्ज़ सुनदे हो अदब सुनदे हो दुख्तरे मुस्तफा थोड़ा सफ़र करदे आना मेरे नाल, तेरी अजमत है क्या, तेरे बच्चों का काबा आजाद दार है जिसने कुन कह के आलम को दी जिंदगी वो अली शहनशाह सरदार है। अल्लाह के जहान ते अली बादशाह हम किसी का मोहताज ना करे इस वेले करो मिल के ताकत नाल बोलो उच्च बोलो हाथ चाके हैदरी तैयब वाले दिखाई रहे आपकी क्या, आपकी क्या बात है किबला, आपकी क्या कहनी अली वाले ने क्या कहनी नौकर बाबा जब नौकर मालिक गवान में हर मेंबर ते एक गुजारिश की थी, एक गल हर मेंबर ते मैं किबला करता बादशाह जेडे सादात बैठे हो सिर्फ और सिर्फ सादात दी दुआ दा सदका और मातमिया दी जुत्ती सिद्धी करके मैनु इज्जत मिली, वरना हमाद रजा दी भाई जान कोई औकात कोई हैसियत कोई मजाल ही नहीं उस वेड़े दी गल करे जिस वेड़े दे रस्म और रिवाज दा नाम शरीयत हो। जितने तुसी अज़ादार मौजूद हो लो जी ए लफ़्ज़ सुन लो बिस्मिल्लाह दुख्तरे मुस्तफ़ा बिस्मिल्लाह किबला दुख्तरे मुस्तफ़ा चाचा जी तुहाडा पुत्र तुहाडा नौकर है ये मेरा वतन है मेरी धरती है इत्थों मैनूं दुआ मिल गई ते कल सत्रां पढ़नी है गल ही होर हो जानी सैयदा दी इज्जत पढ़ना चाहना। दुख्तरे मुस्तफ़ा तेरी अजमत है क्या, तेरे बच्चों का काबा आजादार है जिसने कुन कह के आलम को दी जिंदगी वो अली शहनशाह तेरा सरदार है। गल मातमी नाले जिनको लुक में खिलाए वो हसनैन है जिसको पोशाक दी वो आलमदार है। ऐ मयार है गुजरात ऐ मयार है अली बादशाह हाथ किसी का मोहताज ना करो जेड़ा चौदह की कचहरी जुट रहे हाथ बोलो करो मिलके बोलो मैं सदके जाऊँ आपके क्या कहने अल्लाह पुत्रों की जिंदगी करे जाए आपके क्या कहने बादशाह तोड़े पीले हां साड़ी तोड़े क्या कहने मुर्शद तोड़े कमजा साड़ी तोड़े क्या कहने लाला जी खैर हो चाचा इधर जी अल्लाह सलामत रखे चाचू निगान अल्लाह शिफाए कामिल अजीला अता फरमाए बिस्मिल्लाह कर बाबा मैं नौकर हूँ जनाब जनाब मैं नौकर हूँ मेरी नौकरी है मैं नौकरी करता जनाब तो जनाब का दिल लगे मैं है तो बड़ा छोटा जहा जाकिर हाँ बस तुहाडी दुआ ने कर्म कर दिता अल्लाह तुहानू सलामत रखे जिसने कौन कह के बेशक ऐसी है बेशक इस जिक्र की वजह तू इज्जत है वरना मौला की कसम है अक्सर ऐसी गल करते होंगे पकौड़े ला लिए तो पकौड़े भी कोई ना लगे सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन बादशाह का तरस दुख्तरे मुस्तफा को दिल लगे जनाब तेरी अजमत है क्या तेरे बच्चों का काबा आजादार है जिसने कुन कह के आलम को दी जिंदगी वो अली शहनशाह तेरा सरदार है जिनको लुक में खिलाए वो हसनैन है जिसको पोशाक दी तेरी दहलीज पर आके रुकने लगा बाबा जी तेरी दहलीज पर आके रुकने लगा जो खुदा की खुदाई का सुल्तान है तेरी नालैन का जिसको इरफान है वो जमाने में बस एक सलमान है। मेहरबानी वजह तखलीक के मुस्तफा मादरे खालिके खाके शिफा जेडे बंदे लफ्ज़ सुनते हो लफ्ज़ां दी मेरी नौकरी हकीकत सिदरतुल मुंतहा वजूद हालती सच्ची मां दी सच्ची धी हसनैन दी करीम अम्मा औला अमीर मुमकिनात अली अलैहिस्सलाम दी जौजा मोहम्मद मुस्तफ़ा दी बेटी साडा अकीदा है ना मैंने गल का सिर्फ जवाब चाहिए अपना अपना हिस्सा है दरबार
अपनी अपनी नौकरी मुतमइन खड़ा, तुसा हक अदा कीता मौला दी कसम, अल्लाह रिस्क देंदा है, तकसीम कौन करदा? जिंदा ईमान एक बारी हाथ चाह के बोले कौन तकसीम कर दे? आओ तुम्हें दसा सही अदा किस नवादे पूरी कायनात रिस्क तकसीम करन वाला अली अपने घर जाके जिस बीबी को अपने हिस्से का रिस्क मंगी उस बीबी ने बतो जेड़ा बंदा नहीं बोलिया मुकद्दर की गल है इतों मैं लैके जाना चाहिए बाबा जी थोड़ी क्या बात अली वाले की क्या बात है मारफत ध्यान सुन पूरी कायनात रिज़्क तकसीम करन वाला अली बादशाह अपने घर जाके जिस बीबी को अपने हिस्से का रिज़्क मंगे उस बीबी ने बतू हाय मैं सदके दा साहिब ईमान मैं चूंकि अपने मौजू पे आवां तेरी नालैन का जिसको इरफान है वो जमाने में बस एक नौकरा चाचा जी फिर आता कायनात रिज़्क तकसीम करन वाला अली अपने घर चाह के जिस बीबी को अपने हिस्से का रिज़्क मंगे वो बीबी नू बतूला थोड़ी क्या बात थोड़े मैं यार समाज की क्या बात अली वाले किसी का मोहताज ना बन मैं अपने मौजू पर आ गया जी तेरी नालैन का जिसको इरफान है थोड़ा साथ चाहिए मैं जी थोड़ी हाँ ना मेरे ना चेहरे तो रौनक रख के थोड़ी हाँ ना करना ताकि मैं आगे सफर कर लवा तेरी नालैन का जिसको इरफान है वो जमाने में बस एक साहिब ईमान मिन्ना अहलल बैत मिसदा ईमान दे दसवें दर्जे फाइज जनाबे सलमान हाथ रख के अमीर मुमकिनात दे कदमां मालिक लो जी मैं बंदा वेखन लगा जरा अली दा खांदा है तो बोल नहीं सकता कदमा ते हाथ है मालिक तुहानू लिसानुल्लाह क्यों आख्या गया गल नहीं होवे तो चेहरे ते रौनक रख के सिर्फ मैनू मुस्कुरा के वेख लेना मेरे आवण दा मकसद ही पूरा हो जाता बादशाह तुहानू लिसानुल्लाह क्यों आख्या गया बादशाह मुस्कुरा क्या दिन सलमान जरा गौर नाल सज्जे खब्बे वेख को बेमारस था बंदा तो नहीं बैठा नहीं बादशाह तुसी आप जान दे अच्छा करीब आ सलमान करीब होर करीब आ होर करीब तंजील भाई लुत्फ लेना किबला जितने मातमी बैठे हो थोड़ा पुत्र ना थोड़ा नौकरा सरदार चाचा जी होर करीब आ सलमान होर करीब मलिक जी जानू नाल जानू नेड़े हो जी बादशाह हूँ सवाल कर चलो जेड़े बंदे पहुंच गए सलाम है मेरा हूँ सवाल कर बादशाह तुम्हें लिसानुल्लाह क्यों आख्या गया है जेले मातमी हो जागना बादशाह लिसानुल्लाह क्यों आख्या गया है कि बिला आई लिसानुल्लाह हर कद बादशाह फरमाया सलमान याद रखे मैंने मौला दी कसम उठ के बोलो हक नहीं लाऊंगा सलमान याद रखे मैं अली नू लिसानुल्लाह इस वजह तो आख्या गया जो मैं अली इस जुबान नाल बतूल दी तारीफ करने आए शाबाश जेड़े खांदे अली दे पुत्रां दा ओ एक बारी हाथ चा के मिल के बोलो हाय अली सलामत नौकर देना हैसियत एक तालब इलम दी है मैं सबक सुना रहा कलुत्फाया जी आज मैं जितना पढ़ना है आजमत सैयदा पढ़ मैं अपने मौजू तो नहीं हटागा जी क्योंकि मैं थोड़े तो दुआ लैनी तुम सारे मेरे बुजुर्ग हो मैं थोड़ा पुत्र अल्लाह थोड़ा सलामत रखे ये थोड़ा प्यार है थोड़ी जरा नवाज मैंने वेखना जी मिल लिसानुल्लाह जिक्र दी इज्जत दा वास्ता मैंने वेखना जी मिल लिसानुल्लाह इस वजह तो आख्या गया जो मैं अली
इस जुबान दे नाल बतूल दी तारीफ करनी है। चार मिसरे पढ़ के मैं खुतबा पढ़ लगा ते बाबा जी मैं इन्हों का वेखण लगा कितनी कु खैरात देंगे ने मातमी पैकर में ढल गई है नमाज़े मुहम्मदी बलाए अर्शे पुश्त नबूवत हुसैन है और मुझको करे सलाम रसूलों की मेहनत है मैं फातिमा हूँ और मेरी मेहनत हुसैन है। जिंदाबाद। मौला जिंदगी दे नाल शर्मावे किबला दी मैनूं गल याद आ जतोई साहब मैं किबला बैठे मैं सही अदा किसे कहते हैं गल दा जरा लुत्फ लैणा जिक्र है ना ना लैणा चाहिए जिहदी गल होवे उन्होंने मैं आखिया किबला सही अदा किसे कहते हैं आंदे ने बेटा याद रखना सही अदा उसे कहते हैं जिसने हया को हया होना सिखाया हो। अल्लाह तुम्हें सलाम जिंदाबाद अली वाले इमाम हुसैन बादशाह तुम किस दम होता है जनकर एक सलवात पढ़ो जनाब में खुतबा सुनाओ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله मेरे जितने अजादार हो थोड़ी जी चेहरे पर रौनक रख के जिमें मेरी नौकरी एक ऐसी सलवात उची आवाज नाल सारे गल कर اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات لطف ہے جناب موسم ہے ذرا خشکی والا ہی ہے کتوں کو تھوڑا اتنے تھلے ہو جائے تو میں نے معافی دے چھڑے آپ جو بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تھوڑی دعاؤں पढ़ा कसीदा मैं सैयद आदि पिछले सरदार जितने थोड़ा दिल भी है जी नदरे अल्लाह तेने आदे हुसैन ए मैं मस्जाकर बड़े मस्कीन होंगे जे ए मैं ना तुहानूं ए वास्ता दे रहा बीबी का जितने उत्थे खलोते हो ना इत्थे आ जाओ आ जितने उत्थे खलोते हो इत्थे आ जाओ मैं वास्ता दे दिता है अगों मर्जी की गल है बिस्मिल्लाह एक सलवात पढ़ाओ जनाब मिल के सारे लो जी इजाजत है मैं सैयद आदि शान तिलावत करा सारे का दिल परेशान तो नहीं हो गया बाबा जी मुरसद ए मेरे सर ते कुरान है बादशाह चाचा जी भाई जान ए मेरे सर ते कुरान है किबला बाबा जी मेरी जिंदगी नालों कीमती सतरा कोई सैयद कायनात मेरे हथां ते रखे चाचा जी तो मैं जिंदगी कुर्बान कर दूं मैं मिंबर ते खलोता मैंने साइयां दी कसम तो मैं दूसरी दफ़ा मैं कलाम पढ़ रहा पहली दफ़ा सिर्फ गुजरा वाला पढ़िया हूँ इस धरती तो पढ़ता पाया अगे इतों मोर ज़्यादा लग गई तो सुबह फिर कमाल हो जाएगा तो जे इजाजत हो जनाब तिलावत करिए एक सलवात पढ़ो तो मैं पहला जुमला थोड़े हवाले कर पला जो
गुजरात है। पला जो काली कमली में, पला जो काली कमली में, तैयब वाले दी खैर हो, पला जो काली कमली में, तू वो पूरे बाबा जी मैंने सिर्फ मिसरे सानी की कीमत चाहिए। पला जो कुरान ते मेरा आते बंदे नू इंसान नू इंसान दा पुत्र रहना चाहिए। मैंने मौला दी कसम गरीब घर दे बंदे सन पाक बतूल दे पुत्रां इन्ना तरस कीता है कि पता ही नहीं हुण कित्थे है। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, तुहाडी दुआ दा सदका मिसरे सानी सुनना। पला जो काली कमली में, तू कुरान है जहरा, पला जो काली कमली में, तू कुरान है जहरा, तभी सूरा सलामत रखे। तभी सूरा, मैं पहले आके खुशकी है, जरा माफी देना थोड़ा मौसम का हिसाब है। तभी सूरा एक सर में तेरी पहचान है जहरा, कौन सैयदा किबला तो नहीं करना, डायरेक्ट से पढ़ना जाना, मां भी साथ जाने का मिल गया था हसन। तभी सूरा एक कौसर में, तभी सूरा एक कौसर में तेरी पहचान है जहरा, हसन को पाल कर तूने मोहम्मद कर दिया ऐसे, तेरी सोहबत के पर्दे में, होय 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 रुक सलाना जी, तेरी सोहबत के पर्दे में छुपा इमरान है जहरा। मैंने मौला दी कसम उठ के बोलने मांगनी हक नहीं अदा होगा, कौन से अदा साथ जाने का मिल जाना। शबे
अल्लाह पुत्रों ने जिंदगी दे। सुभान अल्लाह। जितने मेरे सरदार हो, थोड़ी तबीयत राजी हुई है, पास हो गया कलाम, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी जुत्ती नो मेरा सलाम है, जितने अली वाले बैठे हो थोड़ी जुत्ती नो मेरा सलाम है। अल्लाह जिंदगी दराज शर्मा में शबे मेराज का सजदा तेरी तस्बीह में कहता है, जो काबे में अली ने दी। अली भाई तू वो आजान है, चाचा जी जहरा तुसी किताबों च भी पढ़े, जो हर बार सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा बीबी सैयदा दे दर ते खड़े होके इजाज़त लेके दस्तक दे के फिर अंदर जाते हैं। कहीं जी गल तायद करना भाई, ऐसा ही है। अल्लाह जिंदगी दराज शर्मा में किबला जो बार बार सरकार ए अमल कीता, सैयदा ने बाबा तुसी मेरे बाबा हो, तुसी ए अमल बार बार क्यों कर रहे हो, बाबा जी दुआ देना चाहना, तुसी ए अमल बार बार क्यों कर रहे हो। सरकार मोहम्मद मुस्तफा अपनी बेटी के पास में क्या देना, तेरे दर पर मेरी पाक सैन राजी होवे। फिर अकील शाह जी अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मुहम्मद की शरीयत में तुम्हारी जान मेहरबानी सही है जहरा। लो जी एक बारी ए जितने अजादार होना नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन मैंने वेखना जी तुहानू पाक सैयदा दा वास्ता, पाक सैयदा दे बेटियां दा वास्ता, मौला अमीर मुमकिनात दा वास्ता। इस तो अगे कोई गल है ही नहीं, तेना रह गई है। अल्लाह जिंदगी दराज सुनावे ए वास्ता तुहानू इस वजह तो दिता है, ए शेर की सिर्फ मैंने कीमत चाहिए। ए कुरान तो मेरा हाथ जला मिंबर तो झूठ बोलता तो प्यो ही कोई नहीं आता। ए कलाम सिर्फ और सिर्फ केवल मैं शेर वास्ते पढ़ रहा हूँ। ऐ शेर पढ़ना चाहना, कौन सैयदा कौन ताहिरा कौन आबिदा कौन जाहिदा, मोहम्मद मुस्तफा की सच्ची ते इकलौती दी किस इज्जत दी मालिक है। पहला मिसरा सुनना ते फिर फैसला करना अगे किवें खैरात देनी है। अल्लाह वास्ते जागना, कौन सैयदा सब जाने का मिल गया ना। इबादत पे सिर्फ ए लास्ट वाला शेर मकता ये मैं सिर्फ थोड़े को दुआ की खातिर पढ़ना चाहता। नौकरी हो गई मुतमैन खलोता, पाक बतूल दे बेटे राजी होवन, अल्लाह तुहानू किसे दा मोहताज ना करे। ये रूहानियत और कबूलियत होंदी है बंदे फजाइल च रोंदे हो। ऐ शेर सुनना जी, तेरे सजदे से ही ऊंचा मेरा, थोड़ा साथ देना जी, यजदान
है जहरा ऐ शेर सुनना अजादारा वास्ते मातमी वास्ते पढ़ना चाहना सार चंद की गल कड़ी प्यादा अजादारो लो जी एक कसीदा मैं तिलावत करा सैयदा बीबी की इज्जत जे सारे अजादारन का दिल हो एक सत्र मैं पढ़ना चाह आओ किबला जाफरी साहब एक सलवात पढ़ो किबला की सेहत सलामती वास्ते मिलके लो जी बाबा जी बिल्कुल नवा कलाम बिल्कुल न्यू नवा तो मेरे दिल मैं इतों आगाज करा सारे मातमिया का दिल पिछले सरदार थोड़ा भी दिल जनाब लो जी अलफ सुनना जी लफ्जों में क्या बयान हो लफ्जों तुसा साथ देना तो मैं पढ़ना लफ्जों में क्या बयान हो अजमत बतूल के बहुत प्यारे मेरे मौला दे बहुत प्यारे मदहा बिरादर मौजम किबला जनाब गुलाम अब्बास जप्पा साहब भाई जान अल्लाह जिंदगी दराज फरमावे अल्लाह बद नजर तू महफूज रखे किबला ऐसा लाइन सुनना थोड़े तो दुआ हासिल करना चाहना अजादारा तू अली वाले तो दुआ हासिल करना चाहना भाई जान किबला कौन सैयदा कौन ताहिरा कौन आबिदा कौन जाहिदा सारे चने की गल कड़ी प्यादा लफ्जों में क्या बयान हो अजमत बतूल के लफ्जों में क्या बयान हो अजमत बतूल के लफ्जों में क्या बयान अली भाई अल्लाह मेहनत कबूल के जाने लाला जी अल्लाह जिंदगी दराज फरमावे अल्लाह सलामत रखे बहुत शुक्रिया अल्लाह तुम सलामत रखे बहुत मेहरबानी कौन सैयदा कौन आबिदा कौन जाहिदा कौन ताहिरा सच्ची माँ उनकी सच्ची धी किस इज्जत दी मालिक है तौजी नहीं करदा लाला जी अगर तौजी कर जावा भाई जान शेर दा मजा मुक जावे तौजी नहीं करदा आओ सर जाना डायरेक्ट शेर पढ़ना चाहना मैं क्या कहूँ के किस कदर इज्जत बाप है ओ, मैं क्या कहूँ के
सुभान अल्लाह। लो जी आखिरी शेर और मौला जान दिन मिंबर पाक ते खड़ा किबला जितने मातमी मौजूद हो जे सादात हो तुसी मैं शाबाश दे देना जितने मातमी हो हाथ चाक के सैयदा नु सलाम करना। ए शेर वास्ते मैं कलाम शुरू कीता है शरीयत मुहम्मदी सीरत हबशी काफिला तैयार होके आया और तुम जनाब फिजा कोल आए शॉर्टकट जल्दी इस तू जल्दी मैं कर नहीं सकता। आके आदन बीबी जुत्ती तख्त रख के सैयदा दे वेड़े दी नौकरी कर रही केड़ी इज्जत मिली है मैंने मौला दी कसम उठ के बोलो हक नहीं अदा होंदा केड़ी इज्जत मिली है। उस वेले जनाब फिजा इन औरतों के बस वेख के आदन इस्लाम की हयात है बस मेरे हाथ में हो इस्लाम की आखिरी शतल सुनी अजर सी हो जति खुशी बस मेरे हाथ में हो उस दिल से कायनात है बस मेरे हाथ में बड़ी मेहरबानी जनाब। लो भाई भी आ गए रोमन जवाई बैठे हैं दुख्तरे अहमद मुरसल जी गल समझ गए हो अल्लाह तुहानू किसे दा मोहताज नहीं बहुत ही बड़ी रूहानी अल्लाह मेहनत कबूल फरमाओ यकीनन कबूल दुख्तरे बीबी मैंने हिम्मत दे तो मैं सत्र पढ़ा समझ आ गई नमातमियाँ बड़ी हाई करनी दुख्तरे अहमद मुरसल ये सदा देती है मेरी गुर्बत मेरी तुर्बत ही बता देती है। बल्लाओ 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 मोहम्मद की बेटी राजी होगी भाई बल्लावे हाय करके रो अल्लाह बल्लावे चाचा जी अल्लाह दियां दिखा चलो चाचा इज्जत जी अल्लाह दियां दिखा नौकरा हाय मातमी आए ना थकन अली कौम दुख्तरे नौकर अलग दफा का हजार दफा का दुख्तरे अहमद मुरसल ये सदा देती है मेरी गुर्बत मेरी तुर्बत ही बता देती भाई थोड़ी आवाज ज्यादा कर रहा अच्छा एक गल करना चाहना दरबार च गई ना मोहम्मद की बेटी भाई मौला दे मंजूर नजर जाकिर हो बख्तां लवीर हो लबख सलामत रखे जे इस गल की ताईद करना दरबार च गई मोहम्मद मुस्तफा दी इकलौती दी सैयदो बाबा जी मैंने माफ करना मैं तुहाड़ी कनीज का पुत्र हां मेरी जरूरत नहीं मैं गल करा लेकिन अगर परदा दे भी तो फिर मुजरिम बनते हैं दरबार च गई ना मोहम्मद की दी मैं ये नहीं थोनों दसना जो कितने घंटे खड़ी रही मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक किताबें च लिखे है कोई याद है 9 घंटे किसे लिखे है 3 घंटे किसे लिखे है 5.5 घंटे मैं ये नहीं दसना मैंने मौला दी कसम हाय इंज करी तेरे ते शाम अली मल करा दी होवे मैं ये नहीं दसना मुहम्मद दी बेटी कितने घंटे खड़ी रही इतना दसना चाहना सलमान मर्द होके मिट्टी ते मत्था मार के आते बीबी तेरा ते पता नहीं हुण मैं थक गया। वाह भाई वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह अली की
ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਆਇ ਕਰ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਅਦੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਬਾਦਾ ਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਮਦਰੇ ਸੇ ਪਾਣੀ ਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਂ ਸਦ ਕੇ ਜਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਜੋਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪੁਰਸਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਚੋਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਚੋਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਚਾਮੀ ਨੇ ਚੋਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਛਾਲਾ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਲਾਲਾ ਵਰਿਆਮ ਦੀ ਮਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਰੁੱਲ ਲੈ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਆਓ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਨਾ ਸਦਾਏ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ 75 90 ਜਾਂ 95 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਦੀ ਅਸਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮਾਂ ਟੁਰਦੀ ਪਈ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਛਾਪ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੁੱਲ ਵੈ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਮਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹਸਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਅੰਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਛਾਪ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਇਹ ਵਾਦ ਰਹੀਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੇ ਜ਼ਹਰਾ ਤੁਮ ਸਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਲਕਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਯਾ ਮੇਰੀ ਸੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣੀ ਇਸਲਾਮ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਇਸਲਾਮ ਦੋ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਜਾਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਲਾਲਾ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਕਰੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂ ਆਦਾ ਪੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦੋ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੈਣ ਉਹ ਪੜਨਾ ਜਾਣਾ ਮਿਲ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰ ਟਕਰਾ ਮਾਰਿਆ ਆਓ ਮਾਰਨ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਵੇਂ ਦਾ ਵੈਣ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਵੈਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਰ ਨਾ ਖੜੋਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਹਮਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵੈਣ ਪੜਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਨਾ ਪੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾ ਹੁਸੈਨ
नौकरा बाबा नौकरा जाकरा तो सुनया जी बाबा जी बाबा मैं नौकरा जी मैं नौकरा मैं क्या गलत पढ़िया तो नहीं गलत नहीं पढ़िया मैं सदके जावा आज नहीं गलत नहीं पढ़िया आज दे बाद इन पढ़ी कि मैं आना मैं क्या कि मैं पढ़ा मुंह ते मातम करके आज इस्लाम दे दे दरबार होते होनी इज्जत हुसैन दी मावी मातम करके आज ना झिड़का जल के खाली वर्दी को मैं दी गुशर मेरे घर ले ओ बाबा जी मेरा वतन है भाई गुलाम अब्बास थोड़े तो दुआ ए मातमिया दा पुरसा सर ते कुरान जिथे जिथे दो मिसरे पढ़े अजादारा बर्दाश्त नहीं कीते अज दिल इत्थे पढ़ा जिहड़े हाय करके रोंदे बैठे हो मेरे मौला दी कसम है मैं बहुत छोटा जाकिर हाँ लेकिन वेखो बाबा जी वक्त ऐसा बन गया ए दो मिसरे लाला जी मैं पढ़ने न इन्हें कफन चढ़ाने इन्हें कबर चढ़ाना है जाकिरा तो सुने जदों के जिक्र सुनते आते हो हसन अमीर हुसैन गरीब जिन गरीब आए अल्लाह तेन करबला ले जावे अखल जाके वेखे के सोना पे बसदा मातम दे दे मातम दे दे दो मिसे नवा लगी ते बाबा जी जिन अमीर आए अल्लाह तेन जन्नत बकी ले जा